संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सर जैसे कि गौरव भी जानकारी दे रहे हैं और हम ये बात जानते हैं कि यूक्रेन रशिया का सामना करने के लिए उतनी मजबूती से सक्षम नहीं है, ऐसे में यूक्रेन के सामने अब क्या रास्ता बचता है? गौरव बिल्कुल वही पर ग्राउंड पोजिशन से रिपोर्ट कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, यूक्रेन में आज की तारीख में सक्षम नहीं है यूक्रेन, क्योंकि रूस जो है महाशक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। यही कारण है कि अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद, सैन्य मदद करने के लिए राजी नहीं है और आएंगे भी नहीं, उनको मालूम है। और रूस लगातार जिस प्रकार से उन्होंने यूक्रेन के सीमाओं पर अपने 2 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है अति आधुनिक हथियारों के साथ, ये साफ दर्शाता है यूक्रेन जो है वो उकसाया जा रहा है पश्चिमी देशों के कारण। और अब मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की जो है इसलिए पुतिन उनका कॉल नहीं ले रहे हैं, और जो फ्रांस की पहल है वो भी अब नाकामयाब हो गई है क्योंकि अमेरिका और पुतिन भी बात नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी हालात में मुझे लगता है यूक्रेन ने अपने आप को देखते हुए कि वो पुराना एक सोवियत यूनियन का ही साम्राज्य था, रूस का उसके साथ पारंपरिक संबंध है और ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि यूक्रेन ने अब ऐसी हालात में हथियार डाल देने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कूटनीतिक के द्वारा, नहीं तो डोनबास का जो रीजन है जिसमें शामिल उसके साथ साथ जो है ओडिशा है, मारियोपोल है, ये क्रीमिया के साथ पूरा का पूरा इलाका जिसको नोवा रशिया बोला जाता है वो रूस के हाथ में तकरीबन अगले 48 घंटे में आ जाएगा। ऐसी हालात में मुझे लगता है यूक्रेन ने बातचीत के द्वारा विश्व ने पुतिन के ऊपर अब जबरदस्ती प्रेशर डालना चाहिए कि आप बातचीत करें, और ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने मान लेना चाहिए कि वो रूस के सामने नहीं कर सकते हैं और नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतना वैसे ही गरीब देश है, बहुत ज्यादा नुकसान होएगा यूक्रेन का और इसमें कोई शक नहीं है। और आज की तारीख में जो सुरक्षा के जो चिंताएं हैं पुतिन की, उनके ऊपर सबने गौर करना चाहिए, और जो अपना यूक्रेन है वो तालाब में रह करके मगरमच्छ से अब बैर नहीं कर सकता। बिल्कुल गौरव, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगी। बड़ी खबर आपको हम तस्वीरों के जरिए भी बता रहे हैं कि किस तरह से पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन अगर पीछे नहीं हटता है तो जंग होकर रहेगी। यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में पुतिन यहां पर नजर आ रहे हैं। रूस का यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश जा चुका है, युद्ध को लेकर सभी फैसले किए जा चुके हैं, ये पुतिन द्वारा साफ स्पष्ट कर दिया गया है। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को धमकी दी है और धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द हथियार डाल दें, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। पुतिन ने आगे कहा कि अगर कोई दूसरा देश बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई होगी। और इसी से जुड़ा सवाल मेरा गौरव आपसे ये है कि जिस तरह से पुतिन ने ऐलाने जंग तो किया, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को वक्त दिया जा रहा है कि वो अपने हथियार डाल दे। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या यूक्रेन अपने हथियार डाल देगा इस स्थिति में? गौरव, जमीनी स्थिति समय बेहद गंभीर है मल्लिका, और जैसा मैं आपसे बता रहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर यूक्रेन की सेना को संबोधित किया, इस सीधे संबोधन का यही अर्थ है कि बातचीत अब नहीं होगी, बातचीत का वो दौर गुजर गया है। और जिस तरह का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर रूस यहां पर कर रहा है कि जो तस्वीरें आ रही है कि डोनेस्क के क्षेत्र में, डोनबास के पूरे रीजन में जिस तरह से रूस की सेना, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनके टैंक, उनका तोपखाना, उनकी मिसाइलें पूरी तरह से लग गई हैं, ये दिखाता है कि वो एक ओवरवेलमिंग मिलिट्री सुपीरियोरिटी जिसे कहा जाता है, उसके पास एक बहुत ज्यादा फायर पावर है, सैन्य शक्ति है, और अगर उस सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करे तो संभवतः कोई देश, किसी और देश का उसके सामने टिक पाना खतरे से खाली नहीं। जो और देशों को चेतावनी की, आपने बिल्कुल सही बात की, वो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो देशों को ये चेतावनी है कि वो अपने सैनिक भेजने की का दुस्साहस ना करें इस क्षेत्र में। और सैनिक भेजने का मतलब केवल जमीनी सैनिक नहीं बल्कि लड़ाकू विमान भी हैं और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी हैं। अब बहुत तरीके से रूस अब ये कोशिश कर रहा है कि बिना ज्यादा जानमाल के नुकसान के इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व कैसे स्थापित किया जाए। और ये रूस का जो कदम होगा वो केवल डोनबास तक सीमित नहीं रहेगा। हम लोग इस समय मारियोपोल जो यहां का सबसे बड़ा शहर है, रेल हेड है, वहां पर आए हैं अपनी अपनी रिपोर्ट्स को भेजने के लिए, क्योंकि जो सीमा
सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती इलाके में कई बार सिग्नल्स नहीं मिलते या कई बार मिलिट्री ऑपरेशंस के चलते वहां पर सिग्नल इंटरनेट के कम या बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन शहर पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। इस तरह की बातें हो रही हैं, जो सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी होती है या गोलाबारी होती है उसकी आवाज यहां शहर तक भी आती है, तो इसीलिए तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस अगर पूरे डॉनबास को अपने कब्जे में करेगा तो जिस तरह से उसकी सेनाएं तैनात है, तो उत्तर में बेलारूस से लेकर ये जो सी ऑफ अजोव है यहां पर दक्षिण में, पूर्व में, तो और जो क्रीमिया का इलाका है दक्षिण में, उस पूरे क्षेत्र से रूस की सेना को और उनके जो एयरबोर्न ट्रूप्स हैं वो भी ऐसा सुना जा रहा है तैनात है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो रूस जैसी महाशक्ति के सामने किसी देश का टिकना लगभग असंभव।